नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा उपाय बताया गया है पूजनीय श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा। यह उपाय आपको दसवीं तिथि को करना है। दसवीं तिथि इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको तुलसी की डंडी लेना है। तुलसी आपके घर में लगी होगी, उसकी कोई ऐसी डंडी ले लें जो थोड़ी सी सूख रही हो, उसे आप बाती बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो उसकी पत्तियों को तोड़ लें, अलग कर लें और उसकी डंडी का इस्तेमाल करना है। उस डंडी को आपको घी में भिगो लेना है। घी में अच्छी तरीके से आप भिगो लें। देसी गाय का घी होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घी गाय का ही हो। उसे आप किसी भी दीपक में रखें, मिट्टी का दीपक ले लें, चाहे आपके घर में स्टील, तांबे, पीतल कोई सा भी दीपक इस्तेमाल करते हो उसमें ले लें। उस दीपक को आपको जलाना है उस डंडी की बाती से। आपको उस दीपक में रख करके भगवान के सम्मुख उससे आपको भगवान की आरती करना है। आपके घर के मंदिर में जलाना है। यह कार्य आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपको धरती पर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वह व्यक्ति भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। यह कार्य आप अपने घर के मंदिर में करें। मंदिर में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं, सभी के सामने यह उपाय करना है आपको। और यह कार्य आप दसवीं तिथि के दिन करें। बहुत से उपाय हैं जो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, उन उपायों को भी अवश्य देखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।